प्रेम मिलाता है, प्रेम जोड़ता है, प्रेम प्रेम को बढ़ाता है, प्रेम रिश्तों का बोंद है, प्रेम मित्रता के बीच का बहुत बड़ा जोड़ने वाला फेविकोल है। प्रेम के बिना रिश्ते टूट जाते हैं। प्रेम जब मर जाता है तो खुशियां भी मर जाती हैं। जितना प्रेम कम होगा आपके पास उतना खुशी कम होगी। प्रेम के सागर बनोगे, खुशियों के सागर भी बन जाओगे। जो चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, बंदरों को केला खिलाते हैं, गायों को चारा देते हैं, गरीबों को भी कुछ सहयोग देते हैं, संतों का भंडारा करते हैं और वे साधारण नहीं है, वे प्रेम के सागर हैं, तभी ये सब कर रहे हैं। नहीं तो मनुष्य यदि पत्नी भी एक रोटी ज्यादा खा ले तो रात भर टेंशन रहती है, इतना खाएगी तो कहां से आएगा। और पति भी यदि अच्छे कपड़े पहन ले तो कितनी पत्नियां टेंशन में रहती कि सब कपड़े पहन डरी हैं और बची का। प्रेम उदार होता है, प्रेम दाता होता है, प्रेम सेवा करता है, प्रेम सेवक है, प्रेम विनम्र होता है, प्रेम मधुर होता है, प्रेम एक रस होता है, प्रेम भगवत तत्व होता है, प्रेम भगवान का गुण है, सेवा भगवान का गुण है, मुस्कान भगवान का स्वभाव है, हंसी भगवान का स्वभाव है, प्रसन्नता कबीर का स्वभाव है, ध्यान बुद्ध का स्वभाव है। प्रेम के सागर बनो, प्रेम को समझना, प्रेम को निभाना और प्रेम को करना और प्रेम को प्रेम में ही रखना और प्रेम में जीना और प्रेम से खाना, प्रेम से सोना, प्रेम से जीना, प्रेम से सुबह से शाम तक क्रियाकलाप करना, माता पिता से भी प्रेम का व्यवहार करना, सास ससुर की प्रेम से सेवा करना, मेहमान को प्रेम से आदर करना, गरीबों के लिए भी प्रेम बरसाना, प्रेम ही एक सार है। प्रेम के बिना जीवन बेकार है। जब एक बहू का प्रेम सासू से कम हो जाता है तो बहू सासू से दूर हो जाती है, चाय फिर नहीं देती है, चाय चाय करती है, काफी नहीं पिलाती है, काफी गाली देती है, फिर गरम गरम फुलके नहीं खिलाती है, मुंह फुला के बैठती है। प्रेम कम हो गया, प्रेम सहनशीलता की ढाल है। जब प्रेम होता है ना तो तुम सह भी लेते हो, गम भी खा लेते हो, क्योंकि प्रेम के जीवन में भी कभी कभी कुछ कुछ बाधा आ जाती है, मन को उल्टा लग जाता है, लेकिन प्रेम अगाध है, सब उल्टा भी सुलटा हो जाता है, फिर तुम अपने आप को समझा लेते हो। प्रेम समाधान है, प्रेम बाधक नहीं है, जीवन में साधक है, लेकिन प्रेम मिडिल का बिंदु है। प्रेम से ऊपर उठोगे तो श्रद्धा की यात्रा करोगे, आस्था के पथ पर आगे बढ़ोगे, प्रेम से थोड़ा नीचे उतरोगे तो वासना के कीचड़ में गिर जाओगे। इसलिए बच के रहना, प्रेम में भी
इधर उधर हिले डुले तो खतरे हैं। प्रेम को प्रेम रखना बहुत बड़ी कसौटी है, चुनौती है। ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं। निष्काम प्रेम हमेशा यथावत रहता है। सकाम प्रेम अपेक्षा ना पूरी होने पर तुम उपेक्षा करने लग जाते हो। इसलिए कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया, निष्काम प्रेम का भी महत्व, निष्काम भक्ति। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मदभक्ता समी प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी भक्ति में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, नफरत बची नहीं है, खालिश प्रेम पैदा हो चुका, उस भक्त की भक्ति मैं भी करता हूं, उसका ध्यान करता हूं। अर्जुन पूछते हैं प्रभु आपका ध्यान तो सब भक्त करते हैं, लेकिन कौन ऐसे भक्त हैं जिनका तुम ध्यान करते हो? कृष्ण कहते हैं जो द्वेष मुक्त भक्ति करते हैं, किसी प्राणी से जिनका द्वेष नहीं, निष्काम मित्रता करते हैं, मित्रता में कोई चाहत नहीं, और दुख सुख में जो सम रहते हैं, हानि लाभ में सम रहते हैं, हार जीत में सम रहते हैं, हार में दुखी नहीं होते हैं, जीत में खुशी के अहंकार से भर नहीं जाते, और ऐसे भक्तों से मैं भी प्रेम करता हूं। जीवन समुद्र है, दुख सुख की लहरें उठती रहती है, हानि लाभ की लहरें उठती है, इन लहरों से तटस्थ रहना, मुक्त रहना, दृष्टा बनकर रहना, साक्षी दशा में रहना। कोई दुख तुम्हें दुखा न सके, कोई सुख तुम्हें भुला न सके, कोई जीत तुम्हें अहंकार से भर न सके, कोई हार तुमको रुला न सके, सब कुछ खो जाए फिर भी खुशी खो ना सके, और सब कुछ मिल जाए लेकिन घमंड आ ना सके, तो समझ लेना भक्ति में तुम पूर्ण हो चुके हो, अब ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे। ये तो संसार की चीजें, कभी धनवान कभी निर्धन,